सो हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ था, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, और स्टार्ट करने वाले थे ये टॉपिक। ये पांच टॉपिक पढ़ना है, इसमें से आपका 70-80% कंप्लीट हो जाएगा, देख लेना। ग्रेविटेशन का यहां पे, हालांकि आप 11th में अगर आप पढ़ोगे 12th में, ये पूरा पूरा एक बहुत ह्यूज चैप्टर होगा, और इसके बारे में एक एक डेरिवेशन में कराऊंगा पूरा पूरा, उसके अंदर पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि भाई ये क्यों आया, कैसे ख्याल आया, सारा चीज बताऊंगा। अब 9th स्टैंडर्ड में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके अंदर आपके आपके सिलेबस के अंदर, उसी को बता रहे हैं और उसको डिटेल में थोड़ा बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले, तो ये होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या भाई? देखो, न्यूटन ने क्या, न्यूटन ने सबसे पहले जब ग्रेविटी के बारे में सोचा, सबसे पहले जब उसके बारे में ख्याल आया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ क्या है खींच ले रही है, तो फिर अगर दूरी मतलब मून है, मून को क्यों नहीं खींच रही है, फिर सन को क्यों नहीं खींच रही है, उसके दिमाग में ख्याल आया यार सन क्यों नहीं खींच रहा है। उसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो दूरी अगर बढ़ जाती है ना तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी अपना खुद का अट्रैक्शन है और अर्थ के अंदर भी खुद का अट्रैक्शन है, इसके नजदीक जब आओगे तभी खींच पाएंगे। तो उसने क्या बोला, अगर कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो एक मार्कर है, इसको ऐसे इतना दूरी इतना ऊंचाई रख दिया और आप छोड़ दोगे तो ये जमीन को क्या कर लेगी, खींच लेगी। इतना ही ऊंचाई पर अगर एक बड़ा सा मास हो पत्थर, उसको भी अर्थ खींच लेगी। सवाल ये, उसने बोला अगर मास ज्यादा होगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या, उसने बोला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो ताकत होगी खींचने की, जो एक्सीलरेशन होगा वो तो बराबर होगा, मतलब जो एक्सीलरेशन होगा, उसने बोला कि जो ग्रेविटी होगी वो बराबर होगी, जो खिंचाव होता है वो बराबर होगा, सबका एक्सीलरेशन सेम स्पीड से जाएगा, चाहे एक फेदर, एक पंख ले लिया जाए, एक बाल ले लो और एक मार्कर, क्या एक पत्थर ले लो, दोनों को अगर वैक्यूम कर दिया जाए, अगर हवा को हटा दिया जाए और छोड़ा जाए तो दोनों एक साथ में जमीन पर पहुंचेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एक ऑब्जेक्ट बड़ा सा ले लें और एक छोटा सा ले लें और दोनों को छोड़ दें, कागज का टुकड़ा ले लें, तो कौन पहले पहुंचेगा, तो आप बोलोगे नहीं पहले ये पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है रियल में। हवा की वजह से वो चीज क्या है, वो जो हल्की चीज होगी वो ऊपर रह जाएगी, लेकिन हवा अगर हटा दिया जाए, क्योंकि ग्रेविटी को हवा से क्या लेना देना है, अगर ग्रेविटी हवा को हटा दिया जाए फिर छोड़ा जाए, तो चाहे पत्थर छोड़ो चाहे इसके साथ ये छोड़ दो, दोनों एक साथ में पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है, जो खिंचाव होता है वो दोनों का बराबर होता है, लेकिन जो फोर्स होगा, जो ताकत लगेगी टकराने के बाद, जो खींचने के बाद जो ताकत का एहसास होगा, जाहिर सी बात है यार जब मास ज्यादा होगा तो उस पर चोट ज्यादा लगेगी ना। तो अब अंदाजा लगा लो, एक मार्कर ऐसे छोड़ दो इतना ऊंचाई से और अगर एक पत्थर छोड़ दो तो आएंगे तो दोनों साथ में, लेकिन जब पत्थर रहेगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा चोट लगेगा उससे, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगा, उसके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा रहेगा उसके मल्टीपल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब मास ज्यादा होता है तो ज्यादा होता है, लेकिन जो ग्रेविटी होती है, याद रखना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यही नहीं समझ पाते हैं, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो खिंचाव है, खिंचाव सबका बराबर रहेगा, दोनों साथ में पहुंचेंगे, चाहे पत्थर हो पत्थर के साथ एक मारकर फेंका जाए, लेकिन क्या होगा जो भारी मास होगा उसको अगर उतनी हाइट से छोड़ा जाएगा तो वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा, उसके अंदर फोर्स ज्यादा डेवलप करेगा। तो यही है फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे अट्रैक्शन फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या नाम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स की हम लोग बात करेंगे इसमें। हाँ, अट्रैक्शन फोर्स, न्यूटन ने क्या बोला कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, मान लो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एफ जी से मैं डिनोट कर दू, एफ मतलब फोर्स और जी मतलब ग्रेविटी। पहले, इससे पहले चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पढ़े ना बहुत डिटेल में,
मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, बहुत अच्छे से पढ़े हो। तो फोर्स यहां पे जी मैंने सफिक्स ले लिया इसी वजह से कि ताकि पता चले कि फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी वाला फोर्स। तो उसने बोला कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए दो मास ले लिया जाए, एक मास M1 है, मान लो ये मार्कर, ये मार्कर ले लिया जाए, और दूसरा मास अर्थ ले लिया जाए। भाई अर्थ हमारा मास है ही है, सबसे बढ़िया एग्जांपल मास 2। तो एक हमारा अर्थ मास का है भाई, मास अर्थ का मास है, और दूसरा किसी ऑब्जेक्ट का मास ले लिया जाए। तो उसने क्या बोला कि ये दोनों के बीच में मान लो यहां सेंटर से, यहां सेंटर से ये दूरी मान लो इनके बीच में R हो, A हो, कोई लेना देना नहीं, अलग अलग बुक में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, कहीं R लेता है कहीं A लेता है, ठीक है। मान लो इनके बीच की दूरी R ले लीजिए, डिस्टेंस R है, D है, जो भी मर्जी आप ले लेना, इस पर झगड़ा कुछ तय करने की जरूरत नहीं है। मान लो इनके बीच की दूरी R ले लिया जाए, R है एग्जाम्पल के लिए। तो उसने क्या बोला कि ये दोनों मास का जो प्रोडक्ट होगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, M1 और M2 के बराबर होगा, मल्टीपल के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या यार, सबसे पहली बात तो आपको यही बात समझ में नहीं आएगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखो यही चीज आप नाइन्थ में हो तो थोड़ा समझकर, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो कि ये जो हमारा मास, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना होगा, उसके बाद तो फिर ये दूर की बात है यार। ये अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारी जमीन है और इस पर एक किसी मार्कर को गिराया गया, यही समझो। तो इन जमीन के और मार्कर के जो सेंटर का, मास के सेंटर का जो दूरी होगा, मान लो आर है, तो क्या बोला न्यूटन ने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब जमीन का मास तो फिक्स है और मार्कर का मास, उनके प्रोडक्ट, उनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जब जितना आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मतलब अगर चे दोनों, अगर मास को बढ़ाया जाएगा, बड़ा पत्थर करो और बड़ा, जितना मास बड़ा करते जाओगे उतना ही ज्यादा ये ज्यादा आता जाएगा। क्योंकि मान लो एक अर्थ है और एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे बोल दो भाई, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, और एक अर्थ, मान लो यार सिंपल से एग्जांपल M1 M2 ना बोलूं मैं तो बोल रहा, ऐसे बोल दो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ। तो उसने क्या बोला, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट के मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब अगर ये सब ज्यादा होते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन फोर्स, वो ज्यादा होता जाएगा। सही बात है, ये तो मैंने पहले बता दिया, तो ये बात न्यूटन ने भी बोला, तो कोई नया बात तो नहीं बोल दिया, ठीक है। सवाल ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बस सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। याद रखना फिजिक्स में आपको बार बार ये आएगा, इलेवेंथ में जब ट्वेल्थ में जाओगे, जब फिजिक्स बहुत ही ज्यादा बार बार ये आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज डिपेंड करती है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर इसको आप बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। अगर मान लो मास ऑफ अर्थ तो फिक्स होता भाई, कितना होता है 6 × 10⁴ है ना, 6.4 × 10⁴ कितना होता है 6 × 10⁴ kg होता है, ये फिक्स है। मान लो आप जैसे जैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाते जाओगे तो मल्टीप्लाई ज्यादा आता जाएगा ना, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा या अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका नाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों, चूंकि ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। तो न्यूटन ने ये बात बोला और वो बात आपको भी हजम हो रहा है भाई, हजम भी होना चाहिए ना, नहीं तो फिर ऐसे तो नॉर्मल एक मिनट का काम है इसको बताना। तो ये उसको इक्वेशन नंबर वन पहली बात बोला ये, तो हमने पहली बात को इक्वेशन नंबर वन दे दिया। उसके बाद दूसरी बात क्या बोला, दूसरी बात ये बोला न्यूटन ने कि अगर चे इनके बीच की दूरी को बढ़ाओगे, इनके बीच की दूरी को बढ़ाओगे, अरे भाई अर्थ है हमारा, दूरी बढ़ाते जाओ ऊंचाई पे जाओ तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, चुंबक है, चुंबक के नजदीक में जाओगे तो क्या होगा भाई, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, दूर होते जाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स जो है, खिंचाव का जो ताकत रह जाएगा वो कम हो जाएगा, खींच नहीं पाएगी जमीन उसको। तो उसने बोला जब दूरी पे अगर दूरी बढ़ाते जाओगे इनके बीच में, तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा
वो कम होगा, वो भी कौन से स्क्वायर के डायरेक्टली, क्या है कम होता जाएगा। आप देखो कम होता जाएगा, ये क्या है सर, ये क्यों ऐसा लिख दिए? देखो ऐसा मैं इसलिए लिख दिया, इसका मतलब ये है कि जब इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। कैसे यार, खुद सोचो ना, 1/2 और यहां पे इसको क्या कर दिया, देखो ना 1/2, अभी इसको बढ़ा दो 4 कर दो 1/4 और कम हो गया। जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी और कम कर दो, मान लो इसको 3 रख दो तो 1/4 क्या, पहले 2 रख दिया, पहले यहां पे 2 रख दिया तो 4 आ गया, मान लो यहां पे 2 रख दिया तो 4 आ गया, फिर 3 रख दोगे तो 9 आ जाएगा, देखो 4 रख दो 16, 1/16, तो क्या है वैल्यू हमेशा कम होती जाएगी। तो ये क्या है, जब ये चीज क्या है बढ़ाने पर ये घटे तो इनवर्सली इसको बोलते हैं। रहेगा साइन वैसे ही, ऐसे ही, यही सेम है, सेम साइन, सिंबल वही है, लेकिन क्या होगा जब नीचे लिख देंगे उसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब घट रहा है। जब अगर इसको बढ़ाते जाओगे, जैसे 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे जो पूरी वैल्यू आएगी वो कम आती जाएगी ना, तो ये फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, इसलिए उल्टा लिखते हैं। और होगा भी जो कम, बहुत ही ज्यादा स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, मतलब अगर 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, मतलब और भी कम हो जाएगा, तो क्या होगा ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा। तो इसने दो बात बोली, पहली बात क्या बोल दिया भाई, पहली बात क्या बोला कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो दोनों प्रोडक्ट यानी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट के मल्टीपल के बराबर होता है। अगर वो ज्यादा रहेंगे उनका मल्टीप्लाई तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, सबसे पहली बात, बहुत आसानी से हजम हो रहा है। दूसरी बात ये बोल रहा है अगर मास ज्यादा हो कम हो तो भाड़े में जाए, अगर उनकी दूरी को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होता जाएगा। तो अगर एक बढ़ाओ और दूसरा कम होता जाए तो कभी भी उसका नाम इनवर्स होता है, इनवर्स मतलब उल्टा, इसलिए इनवर्स मतलब उल्टा। तो सेम चीज लिखो, अगर उल्टा ऐसे लिख दिया करो वही चीज, यहां ना लिखकर आर ना यहां लिखकर यहां लिख दिया, इसका नाम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा इसका नाम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो क्या होता है ना, अगर से आप जानते नहीं हो तो आगे चलकर प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है भाई, उल्टा, ठीक है। तो ये बात बोल दिया किसने, न्यूटन ने बोला। अब क्या करना है यार, इन दोनों को एक एक बात ये बोला, एक बात ये बोला, अगर दोनों को मिलाया जाए, अगर दोनों बातों को मिला दिया जाए तो वही बात ये भी बोल रहा है, वही बात ये भी बोल रहा है, बस फर्क इतना है कि पहला इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से अगर देखा जाए तो जो भी एफ जी, ये भी है एफ जी, ये भी है, तो एक ही जगह एफ जी लिख दो ना यार, काहे को टाइप पास करोगे, एक ही जगह लिख दो ना दोनों को, जब ये भी वही चीज है वही भी वही चीज है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, चाहो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों एक साथ में लिख दो, क्या भाई, m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई ये आर स्क्वायर, एक साथ में लिख दो तब भी अच्छा लग रहा है। देखो फिर वही बात आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, हो गया कदम। अब इसी को ट्रांसलेट कर दो, यही तो मसला है, इसको ट्रांसलेट कर दो यार, अगर आप इंग्लिश में, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन फोर्स या एक्सिलरेट या फिर ग्रेवि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द अर्थ। इतना स्लो में इसलिए बोल रहा हूं, इसको आराम से लिख सकते हो, इसको लिखाने की यहां पे टाइम पास ना करूं, ये खुद कर लो, आप वीडियो पॉज कर लो, देख लो क्या भाई कैसे लिखोगे, लिखने की आदत डालो, ये लिखा लिखा कर क्या होता है ना, कॉपी पेस्ट करते हैं, अभी भी से आदत डालो, बहुत काम आएगा। मैं जितना देर बोल रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझो इसको, तो एक्सिलरेशन फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस या प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, दैट इज व्हाट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मास ऑफ अर्थ। दूसरी बात क्या बोलेगा,
एंड ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस. यहां पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस दैट इज, ये लिख देना ठीक है, अच्छा सा बड़ा सा दिखने लगेगा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू या एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मुझे लग रहा है, कोई डाउट नहीं होगा. ट्रांसलेट कर दिया उसको, समझ में आ गया बात ठीक है. ये तो आपको समझाने के लिए इतना ज्यादा बड़ा जाना पड़ा, लेकिन रियल में इतना ही सा छोटा सा पॉइंट है. उसके बाद आप फिर क्या काम करो, एक बात यहां पे और ज्यादा समझने की है. अब अगर चे इसको और आगे बढ़ाओ, ये तो हमें मिल गया रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन नॉट इक्वेशन. अब ये यहां पे इतना ज्यादा मैं डिटेल में जा रहा हूं ना, बात को समझो, क्योंकि ये पहला वाहिद चैप्टर है जिसके अंदर इतना ज्यादा चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वेशन ये सारी चीजें आ रहा है. और यहीं से समझ लो एक तरीके से फिजिक्स की शुरुआत होगी डेरिवेशन की, बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा आगे चल के डेरिवेशन पूरा पूरा आप आगे जितना भी पढ़ते रहोगे यही सब होता रहेगा. ये रिलेशन निकल गया, न्यूटन ने यहां तक देकर बेचारा मर गया. न्यूटन ने इस बात को दिया और मर गया. यार अगर देखा जाए तो कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोला हुआ है. देखो ना, ये आप भी देख रहे हो, ये खुद आप भी ऑब्जर्व एहसास कर सकते हो. और ये न्यूटन ने बहुत पहले एहसास किया हुआ था, उससे पहले भी कोई एहसास कर सकता था, है कि नहीं? तो यहां तक कोई बड़ी बात नहीं. अब आगे क्या होता है, अब इनको हम मिटा दूं और आगे क्या कहानी होती है. ये एक क्या मिल गया आपको, रिलेशन. क्या मिल गया भाई? रिलेशन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आपकी मर्जी है भैया, नहीं तो बोलो सर ये नहीं है M1 M2 आप लिखो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है मुझे, कोई भी मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेने वाला, ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा आपको. तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ द अर्थ जानबूझकर बोलो, ताकि आपको क्या है कंफ्यूजन ना हो. इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं अर्थ तो ही है और कोई ऑब्जेक्ट, इसलिए बोल रहा हूं. तो ये रिलेशन मिल गया कि भाई इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इन दोनों को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा. रिलेशन मिला है, न्यूटन ये बात बोलकर मर गया. लेकिन सवाल ये है, यहां के बाद कहानी आगे होती है कि ये प्रोपोर्शनल को, ये हमारा प्रोपोर्शनल है, डिपेंडेंसी है, कैसे क्या होता है. लेकिन अगर इसको इक्वेशन में कैसे चेंज करोगे, प्रोपोर्शनल को इक्वेशन में कैसे चेंज करोगे. सो वी हैव टू चेंज प्रोपोर्शनैलिटी इनटू इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन में इसको चेंज करना है. और आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन एक ऐसी चीज होती है, वो क्या होता है, बराबरी होता है, एक तराजू की तरह होता है, जितना इधर होना चाहिए उतना इधर होना चाहिए, तभी जाके वो इक्वेशन बनती है. तो इधर फोर्स है और इधर कुछ टर्म्स हैं, दोनों आपस में रिलेशन है, पक्का हो गया. लेकिन आप क्या काम करो यार, कि इन दोनों को ऐसा क्या रख दो यहां पर, कुछ हटाकर इसको इक्वेशन क्या बना दो, क्या वैल्यू रख दो कि दोनों तरफ जो पड़ रहा हो वो बराबर हो जाए. तो कभी भी प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाओगे तो इक्वेशन आएगा. तो आप चाहो तो इसको इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन एफ जी, या यहां पे मैंने एफ जी लिख रहा हूं ताकि ग्रेविटेशन फोर्स है ये पता चले. एफ जी इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई आर स्क्वायर. लेकिन याद रखना, कभी भी इक्वलिटी के लिए, भाई एक तरफ कुछ ले रहे हो एक तरफ कुछ ले रहे हो, कोई सामान खरीदते हो, तो क्या बराबरी ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है? बराबर करना पड़ता है, कुछ लेना देना पड़ता है. याद रखना, ये एक प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में बनाने के लिए कोई ना कोई एक कांस्टेंट, कोई ना कोई एक टर्म की जरूरत पड़ती है. कुछ ना कुछ बोले नहीं भाई, एक तरफ क्या रखा हुआ है तराजू में, एक तरफ 4 किलो है ठीक है, मान लो टमाटर है, तो एक तरफ क्या होगा 4 किलो टमाटर है, तो पहले 1 केजी 2 केजी 3 किलो ठीक 4, फिर 100 ग्राम और बढ़ा देते हैं, मतलब बराबरी करने के लिए रखते हैं ना. वैसे क्या होगा, इधर फोर्स है, ये डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन बराबर हो ये इसकी गारंटी नहीं है, इसका यूनिट इसको मेजरमेंट करने का बराबर नहीं होता है. तो कभी भी प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो इक्वेशन लाते हैं, लेकिन इक्वेशन के साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एक फिक्स टर्म रख देते हैं ताकि वो हमेशा क्या रहे, बराबर रहे. और वो फिक्स टर्म का नाम इस चैप्टर में
है क्या कैपिटल जी, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम क्या है भाई? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो है तराजू को बराबर करने का नतीजा है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों रखा? क्या ये न्यूटन ने रखा था? सही बात तो ये है कि ये इसका नाम, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटी, न्यूटन ने यहां तक देखे मर गए यार। किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक साइंटिस्ट काफी नहीं होता है। न्यूटन ने किसकी बात को कैरी किया था? गैलीलियो गैलीली की। उसके बाद फिर वो क्या किया? कुछ और अपना कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद फिर आगे कैवेंडिश एक साइंटिस्ट था, उसने आया इसकी वैल्यू दे दी। ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। साइंटिस्ट एक दूसरे का बात उठा उठा कर फिर जाके वो क्लियर होती है आपके सामने, जो पिक्चर होता है लगता है कि वही उसने सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये एक साइंटिस्ट, दूसरा साइंटिस्ट था, उसने इसकी वैल्यू दी भाई, उसके पलरा को क्या कर दिया, उसने बराबर किया और उसका नाम दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और वो बोला कि वो वैल्यूज दुनिया में कहीं भी, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी फिक्स रहेगी, इसीलिए इसका नाम दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू क्या है याद रखना, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन। देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसको इधर बचा लोगे तो इधर हो जाएगा न्यूटन फोर्स की यूनिट इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर। याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल जी जो होता है वो फिक्स होता है, कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा, और उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर देखा जाए ओवरऑल एक मिनट की बात करें तो जो है न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है भाई, कि कोई भी ऑब्जेक्ट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ, टू द रेडियस ऑफ क्या है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ये आप इसको कर सकते हो आप, सिंपल सी बात। और अगर दोनों को मिलाया जाए तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कोई ना कोई इक्वेशन आएगी, और इक्वेशन आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, वेयर g इज नथिंग बट g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल g इज 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? यहां तक जब आप लिखोगे तब जाके ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर से न्यूटन के ही इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ क्या है, मोशन की इक्वेशन को उठाएंगे। लॉ ऑफ मोशन हमारा जो था न्यूटन का, वो क्या था सेकेंड लॉ, कि भाई फोर्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सिलरेशन बढ़ेगा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। वहां से एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे स्मॉल जी का, ठीक है, उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्मॉल जी और कैपिटल जी, और स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी चीज खींचती है तो कितने एक्सीलरेशन से खींचती है और क्यों खींचती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।